शांति। आज हमारा सौभाग्य है, आज शारदा दीदी सैन फ्रांसिस्को अनुभूति तक पहुंच गए, है ना? अरे यस बिना फ्लाइट बिना टिकट दीदी पहुंच गए। देखो 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 हम सबका कितना टाइम दीदी ने बचा दिया, है ना? तो हम दिल से दीदी को थैंक्स कहते हैं कि दीदी इतना बिजी होते हुए, है ना? और सुबह का टाइम कितना कीमती होता है। लोकल सेंटर जो उनका सेंटर है, वे भी बड़े जोन के इंस्ट्रूमेंट है, तो काफी कारोबार होते हुए भी दीदी ने अपना कीमती समय आप हम सबको दिया। तो हम इस जूम पर दीदी का दिल से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं सोच रही थी कि जब शारदा दीदी सामने आते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि दादी गुलजार को देख के बाप दादा याद आते, तो ऐसे दीदी को देखते वो मधुबन का बड़ा स्टेज याद आता कि जब भी बाप दादा आते हैं ना, तो दीदी स्टेज पर होते। जो भी प्रोग्राम अनाउंसमेंट करना, जो भी करना, आप समझ सकती हो कि 20-25 हजार की ऑडियंस सामने बैठी है, उनको कितना ढंग से प्यार से डायरेक्शन देना होता है, जो सब सुने वो करे। दीदी के अंदर ये जबरदस्त कला है। जिस रीति से दीदी वो इतनी बड़ी सभा को संभालना, मैं तो दंग रह जाती थी दीदी को देख करके स्टेज के ऊपर। और दीदी इतनी रॉयल, इतनी होली हंस, दीदी की चलन बहुत बढ़िया। तो आज तो दीदी को देख के पहले तो मैं ही खुश हो गई हूँ। सो मैं दीदी को पहले थैंक्स बोलती हूँ। शारदा दीदी हमारे, वैसे देखो कर्मों की शक्ति का उसका टाइटल है। फिर जब दीदी को याद करती है ना, दीदी की वो दो पिक्चर मैंने देखी, वो बहुत याद आती है। आप सबको हमने दिखाई थी, याद है ना? वो पाप और पुण्य वाली पिक्चर एक बार हमने आप सबको दिखाई थी, और दूसरी भागवत गीता के ऊपर भी आपको सुनाई थी, जिसमें दीदी है जो ज्ञान समझा रहे हैं। वे दोनों पिक्चर आपने देखी है। तो दीदी हमारे 52 इयर्स से इस ईश्वरीय कार्य में लगे हुए हैं। 52 इयर्स कोई कम बात नहीं है। और दीदी हमारे वैसे तो इंटरनेशनल स्पीकर है। दीदी ने कई देशों में कई जगह भ्रमण किया है, बाबा का परिचय दिया है। और जो दीदी हमारे हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर, जो हमारे ब्रह्म कुमारीज के विमेन्स विंग रिसर्च फाउंडेशन है, उनके वो निमित्त हैं। और दीदी जी हमारे जो अंबावाड़ी में जो हमारा सेवा केंद्र है, उनके निमित्त हैं, और उसके कनेक्टेड कई सेंटर हैं जिसके वो निमित्त हैं। सो हम बड़े दिल से दीदी का स्वागत करते हैं आपके सामने। दीदी जो भी यहाँ जूम पर बैठे हैं, वो सब पूरे यूएसए से आए हैं, फ्रॉम मिसिसिपी, मिजूरी, फीनिक्स, डालस, बॉस्टन, सब जगह से आए हैं। और ज्यादा करके जो भी जूम पर यहाँ प्रेजेंट हैं, तो मोस्टली जब से कोविड शुरू हुआ है, तब से उन्होंने बाबा का ज्ञान लिया है, बाबा के बच्चे बने हैं, जिसको मैं प्यार से जूम बेबीज कहती हूँ। और आज अभी अनुभूति में आए थे, रिट्रीट भी करके गए हैं, लेकिन सच में ये सब आत्माएं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आत्माएं हैं। सो थैंक यू दीदी, आप आए तो हम दीदी का अब सुनेंगे। सो दीदी आप दिल से, आप घंटा जितना भी आप ठीक समझते हैं आप सुनाइएगा। फिर उसके बाद अगर इनों को कुछ क्वेश्चन आंसर है तो हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, और फिर तो आगे का प्रोग्राम चलेगा जैसे आप योग्य समझते हैं। ठीक है? सो थैंक यू दीदी। अगर हो सके तो अपना फरिश्ता स्वरूप दीदी को दिखाइएगा। दीदी ने जब हमको अपना कीमती समय दिया है, तो कम से कम अपना फरिश्ता स्वरूप दिखाएंगे तो दीदी हमको दृष्टि भी देंगे। सो थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच हेमा बहन, वैशाली बहन और आप सभी बाबा के ब्राह्मण संगम युग के सर्वश्रेष्ठ समय के और विशेष जूम बेबीज
जो सदा ही झूमते रहते हैं, गाते रहते हैं बाबा के गीत, अंदर ही अंदर आपको बड़ा सुंदर डिवाइन डांस कराते रहते हैं। ऐसे आप सब बाबा के कल्प पुराने बच्चों का बहुत बहुत आज नवरात्रि के पहले दिन स्वागत है, अभिनंदन है। आप भारत में पहुंच गए और हम आपके पास में रिट्रीट सेंटर पर पहुंच गए हैं। आपका आज नवरात्रि का पहला दिन और हमारा दूसरा दिन है। भारत की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि 365 डेज में हर दिन कोई ना कोई सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, फास्ट, उपवास, कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। और उसमें भी ये नवरात्रि और कंटिन्यू 9 डेज बड़े उमंग उत्साह से, बड़े धूमधाम से, बड़ा कलरफुल फेस्टिवल और सेलिब्रेशन है। परंतु ये नवरात्रि प्रैक्टिकल में हमें क्या मैसेज देती है कि बुराइयों पर, एविल्स पर, नेगेटिविटी पर हम कैसे विजय प्राप्त करें। और ये दिन जो देवियों के दिन है, अपने जीवन को स्पिरिचुअली हम कैसे एम्पावर करें, अपने में कैसे शक्तियों से अपने को भरपूर करें, ये हमको इस प्रकार का कुछ मैसेज देती है। क्योंकि नवरात्रि में शब्द रात्रि आता है, ये रात्रि कोई 24 आवर्स वाली रात्रि नहीं है, परंतु इसके पीछे एक डिफरेंट सिग्निफिकेंस है। जो पुराणों के अंदर एक स्टोरी आती है कि एक महिषासुर था, उसने बहुत तपस्या की और शिव जी ने उसको वरदान दिया। उसने वरदान क्या मांगा? मैं किसी भी मनुष्य से या देवता से मरूं नहीं, और अपने आप को इतना उसने उस वरदान से एम्पावर कर लिया, जो वो सोचे कि मेरे जैसा शक्तिशाली तो इस दुनिया में अभी कोई नहीं है। इसलिए उसने तीनों लोकों पर अपना साम्राज्य प्राप्त करने की कोशिश करने लगा। इसलिए उसने क्या किया, सारे देवताओं को बंदी बना लिया। अब जब देवताओं को बंदी बना लिया तो ये आवाज शिव जी के पास पहुंची, तो शिव जी ने उस महिषासुर को मारने के लिए आदि शक्ति को अस्त्र शस्त्रों से, 8 भुजाओं से त्रिनेत्री बना करके इस धरती पर प्रकट किया और 9 दिन तक उसका महिषासुर के साथ में युद्ध चला और 10वें दिन उस आद्य शक्ति ने महिषासुर का संहार कर दिया, उसका वध कर दिया। और देवता जिनको उसने बंदी बनाया हुआ था उनको उससे मुक्त किया। तो वास्तव में महिषासुर कोई असुर नहीं था, लेकिन ये हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियां हैं, हमारे अंदर की कमजोरियां हैं, हमारे अंदर की नेगेटिविटी है, जिसका संहार हम शक्तियों के द्वारा करते हैं। महिषासुर, महिष कहते हैं भैंस को,
जिसकी मंद बुद्धि है, जो अविवेकी है, जो तमोगुणी है, जो आसुरी वृत्तियों का एक प्रतीक है। तो ऐसी आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए परमात्मा से दैवी शक्तियों की प्राप्तियां चाहिए, जीवन में आध्यात्मिकता चाहिए। दूसरा, नवरात्रि का जो ये सेलिब्रेशन है, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस भी है कि ये समय जो अभी नवरात्रि का है, ये एक सीजन चेंज का टाइम है, और इस सीजन चेंज टाइम में व्यक्ति की जो फिजिकल ऊर्जा है वो थोड़ी कमजोर पड़ती है, क्योंकि चेंज ऑफ सीजन में कई प्रकार की नई नई बीमारियां सामने आती हैं, जिसका बॉडी पर और माइंड पर असर पड़ता है। और ये नवरात्रि के समय फिर लोग फास्ट करेंगे, उपवास करेंगे, रास गरबा करेंगे, जो उनको फिजिकली उमंग उत्साह में लेकर के आता है। फास्टिंग करते हैं तो जैसे बॉडी की क्लिंसिंग हो जाती है, तो उस हिसाब से भी ये नवरात्रि का फेस्टिवल हमें कुछ मेंटली और फिजिकली हेल्दी बनाने के लिए और अपनी आत्मा के शुद्धिकरण में बहुत मदद करता है। और जैसे ही ये नवरात्रि का फेस्टिवल आता है, हम दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी, चारों तरफ एक देवियों का आह्वान, उनके जागरण, उनके व्रत, उपवास, नियम, संयम, सारा एक वातावरण शुद्धता का और सात्विकता का महसूस होता है, और आपस में सभी मिलकर के बड़ी श्रद्धा से, भावना से ये 9 दिन देवियों की पूजा अर्चना सब मिलकर के करते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा एक अपने आप को समय दे करके हम एक चिंतन करें, एक विचार करें कि वास्तव में इन शक्तियों को, जिनको हम देवी कहते, माँ कह करके पुकारते हैं, उनका आह्वान करते हैं, तो एक तरफ वो माँ है, देवी शक्ति है, उसका आह्वान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए उनके 8 हाथ, 8 भुजाएं, और उसमें क्या क्या अस्त्र शस्त्र दिखाए हुए हैं, क्या उस त्रिशूल से, तलवार से, धनुष बाण से उन्होंने कोई हिंसाएं की हैं। और फिर देखते हैं तो देवियों के चरणों में असुर पड़े हुए हैं। तो वास्तव में इन अस्त्र शस्त्रों का, देवियों के चरणों में इन असुरों का क्या सिग्निफिकेंस है, और देवियों का जो आह्वान कर रहे हैं उसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि नवरात्रि एक बहुत डिवाइन फेस्टिवल है, बहुत प्योरिटी वाला, शुद्धता वाला, प्रैक्टिकल लाइफ के डिसिप्लिन वाला एक सिंबॉलिक फेस्टिवल है, जो हमें बहुत कुछ महसूस कराता है। क्योंकि नेगेटिविटी ने, वाइसेस ने हम आत्माओं को इतना ओवरपावर कर लिया है कि
कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर के जो वॉइसेस है, वो इतने स्ट्रॉन्गली इमर्ज हो जाते हैं जो हमें कुछ करने नहीं देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग. अब उस नो स्मोकिंग का सिंबल क्या दिखाया हुआ है? एक स्कल्टन है और उसके ऊपर में क्रॉस दिखा देते हैं, या सिगरेट के ऊपर क्रॉस दिखा देते हैं, या डेंजर लिख देते हैं. तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो अंदर की व्यक्ति की जो विशियस वृत्तियां हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो राइट वे पर नहीं है और ये विशियस वृत्तियां उसको विकारों में, जेलसी में, हेट्रेट में, रिजेक्शन में मैनिपुलेट करती हैं, डोमिनेट करती हैं. लंबी लिस्ट अगर हम इन बातों की, नेगेटिविटी की निकालें, वॉइसेस की निकालें, तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती है. परंतु ये नवरात्रि हमारे अंदर की इस सारी नेगेटिविटी को निकालने में हमको बहुत बहुत हेल्प करती है. तो नवरात्रि जब आज शुरू हो रही है, तो सबसे पहले हर एक क्या करता है, अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं. अब वो कलश कौन सा है? उन्होंने तो स्थूल कलश रख लिया, ऊपर नारियल रख दिया और साइड में पत्ते रख लिए. वास्तव में इस कलयुग के अंत में, इस अज्ञानता की काली रात्रि में, ज्ञान सूर्य परमात्मा, ज्ञान सागर परमात्मा माताओं को, कन्याओं को शक्ति स्वरूप बनाते हैं और शक्ति स्वरूप बना करके उनके बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान भरपूर करते हैं. तो बुद्धि रूपी कलश जब ज्ञान से भरपूर हो जाता है, तो उन ज्ञान रत्नों से, ज्ञान के खजानों से, ज्ञान रत्नों से वो सारी अज्ञानता को समाप्त करते हैं. इसलिए सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है, फिर उसके साथ में अखंड दीप जलाया जाता है और उस दीप के अंदर जो घृत डाला जाता है वो कंटिन्यू डालते हैं ताकि ये दीपक बुझने नहीं पाए. तो बाबा भी इस समय हम बच्चों को ज्ञान घृत दे करके हमारी आत्मा के दीप को सदा अखंड जगाते रहते हैं, जो बाबा हम बच्चों को फिर कहते हैं, बच्चे ज्ञान का निरंतर मनन और चिंतन करते रहो, ज्ञान में रमण करते रहो, ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहो, तो ये आत्मा रूपी दीपक सदा जागृत रहे. जितना स्वयं जागृत रहेंगे, आत्मा का दीप जितना अखंड प्रज्वलित रहेगा, उतनी इन विकारों से, बुराइयों से परे होते रहेंगे और उनकी अवेयरनेस रहेगी. उस आत्म जागृति को बाबा ने ये ज्ञान का घृत दिया है और फिर रात्रि जागरण करते हैं और रात्रि जागरण करके देवियों के गुणगान करते, उनकी महिमा करते, पूजा अर्चना करते, रास गरबे करते, सब कुछ करते हैं. अब देवियों की महिमा करनी है, उनका गुणगान करना है, कीर्तन करना है, तो वो तो दिन में भी कर सकते हैं ना. दिन में नहीं हो सकता है ऐसा तो है ही नहीं, रात को जागने की क्या जरूरत है. परंतु प्रैक्टिकली
अभी जबकि सृष्टि का अंतिम चरण है, कलयुग का अंत है, तो चारों तरफ विकारों का फुल फोर्स है, अज्ञानता का पूरा अंधकार छाया हुआ है। बुद्धि और विवेक राइट वे में किसका भी काम करता नहीं है। ऐसी जब अज्ञानता की ये रात्रि होती है, तो उस अज्ञानता की रात्रि में ये ज्ञान का जो दीप प्रकट होता है, तो ज्ञान का सिमिरण करते हुए सिमिर सिमिर सुख पाओ, कल है क्लेश मिटे तन मन के, तो वो रात्रि जागरण करते हैं। फिर तीसरी बात, व्रत नियम उपवास करते हैं। तो शिव बाबा ने वास्तव में अपनी आसुरी वृत्तियों को खत्म करने के लिए, विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए, जैसे लौकिक में भी जब कोई विशेष दिन होते हैं तो व्रत उपवास करते हैं, और उस समय विशेष उनका ब्रह्मचर्य का पवित्रता का व्रत होता है। तो व्रत माना जिससे जीवन में श्रेष्ठ आचरण बने, जो जीवन को नियम में संयम में चलाए, उस कारण से वो व्रत रखते हैं। व्रत कोई भूखे रहने का नहीं होता है, व्रत कोई ये नहीं खाना है और ये खाना है, वास्तव में उसकी बात नहीं है। लेकिन ये जो नवरात्रि में व्रत रखते, ये 9 दिन का व्रत रखते हैं, और 9 दिन का वास्तव में तो खाने पीने से कोई संबंध कनेक्शन नहीं है, लेकिन बाबा हम बच्चों को सिखलाते हैं कि ये मन शांत रहे, स्वचिंतन करें, स्वदर्शन करें, अपने अंदर जितने भी अवगुण हैं, बुराइयां हैं, उनको निकालने का एक लक्ष्य रखें। तो ये व्रत नियम और उपवास वास्तव में इन नवरात्रि के दिनों में मनुष्यों को पर चिंतन से, इसकी उसकी तेरी मेरी की बातों से, व्यर्थ की बुराइयों से छुड़ाने का एक बहुत सहज साधन है। अपने आप को ऑटोमेटिकली वो सेल्फ डिसिप्लिन में ले आते हैं, जिससे उनकी जो इनर पावर्स हैं वो जागृत होती हैं और उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग बनती है, और वायुमंडल सात्विक हो जाता है, और वो सात्विक वातावरण हमारे मन को, बुद्धि को शुद्ध और निर्मल बनाता है। तो जब मन और बुद्धि शुद्ध और निर्मल बन जाती है, तो परमात्मा जो ऊपर वास करते हैं, हमारी बुद्धि भी ऊपर रहती है, इसलिए व्रत को उपवास भी कहते हैं। व्रत माना है खुद से प्रतिज्ञा करें कि हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखते हुए अपने को कुछ नियमों में, कुछ संयमों में बांधेंगे, तो विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी और इनर पावर्स इमर्ज होती जाएंगी, जो हमारी नेगेटिविटी को, जिसने हमको ओवरटेक किया हुआ है, हम उसको ओवरकम कर लेते हैं। चौथी बात, कन्या का पूजन इन दिनों में करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को खिलाते हैं, घर में बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो वास्तव में नवरात्रि में विशेष माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। इन तीनों शक्ति
शक्तियों को शिव ने ही उत्पन्न किया है, प्रकट किया है, लेकिन मनुष्य आत्माएं इन तीनों से ही वरदान मांगती हैं। सब नवरात्रि के 9 दिन होते हैं प्रैक्टिकल में, विशेष रूप से पहले 3 दिन दुर्गा की पूजा, उसके बाद के 3 दिन महालक्ष्मी की पूजा और लास्ट के 3 दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले जो की है माँ दुर्गा की पूजा। दुर्गा है शक्तियों का प्रतीक, दुर्गा है असुर संहारिणी, इसीलिए दुर्गा के पांव के नीचे असुर भी दिखाते हैं। तो वास्तव में दुर्गा की पूजा अर्चना और दुर्गा का वो आह्वान अपने अंदर के दुर्गुणों को, अपने अंदर की कमजोरियों का नाश करके उन डिवाइन पावर्स का खुद में आह्वान करते हैं कि वो शक्तियां मेरे अंदर के जो दुर्गुण है, बुराइयां हैं, जो विकार हैं, उनको भस्म करें। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते अपने परम श्रेष्ठ स्वमान में मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो सर्वशक्तियों का खुद में आह्वान करें तो अंदर के सारे विकार, पास्ट के जन्मों के विकर्म भस्म हो जाए। इसी दुर्गा को महिषासुर मर्दनी भी कहा हुआ है कि महिषासुर राक्षस का वध करने वाली है, जो ईगो, क्रोध, लोभ, मोह, काम आदि विकारों से भरपूर है, उन्हों का संहार करने वाली ये दुर्गा, जिसकी वृत्तियां दुष्वृत्तियां हैं, जिसके संस्कार बहुत लो कैटेगरी के हैं, उन सब का नाश करने वाली ये दुर्गा हमारे अंदर इतनी पॉजिटिव ऊर्जा इमर्ज करती है, इतनी शक्ति आत्मा के अंदर देती है, जो उनका संहार करना आत्माओं के लिए इजी हो जाता है। उसके बाद में फिर 3 दिन महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। तो जब आत्मा अपने अंदर के दुर्गुणों का, दुष्वृत्तियों को समाप्त कर लेती है तो आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है। आत्मा जब शुद्ध बनती है तो आत्मा में वो ईश्वरीय शक्तियों का संचार होता है। जैसे भक्ति में कहते प्रभु जी मेरे मन में बसो, लेकिन मन में विकार, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, मान शान भरा हुआ है तो प्रभु की याद, बाबा की याद अंदर कैसे रह सकती है? जब तक मेरे अंदर से दुर्गुण नहीं गए और उन दुर्गुणों का जो मूल है बॉडी कॉन्शियसनेस वो नहीं गया है, वो समाप्त नहीं हुआ है, तब तक बाबा से मैं आत्मा अपने में शक्तियां भर नहीं सकती, सेल्फ को एम्पावर नहीं कर सकती। तो दुर्गा जो दुष्वृत्तियों का नाश करती है तो उसके बाद आत्मा के अंदर प्योर शक्तियों का संचार होता है। और आत्मा जब प्योर, शुद्ध, निर्मल बनती है तब व्यक्ति सच्चा धन अर्जित करने की योग्यता अपने में डेवलप करता है। तो वो वास्तविक धन, सच्चा धन, प्योर धन, शुद्ध धन कौन सा है? सबसे बड़ा धन है हमारा चरित्र, जो ऊंचे संस्कार हैं,
जीवन में दिव्य गुण है वो हमारा सबसे बड़ा धन है, जो वैल्यूज है वो हमारा सबसे बड़ा धन है, जो कभी गुम नहीं हो सकता है, जिसको चोर लूट नहीं सकते हैं। और उस धन को, गुणों का दान जितना हम करते जाएंगे, ज्ञान धन का दान जितना हम करते जाएंगे, उतना वो वृद्धि को पाता जाता है। तो महालक्ष्मी से स्थूल धन के प्राप्ति के साथ साथ जो अविनाशी ज्ञान धन है, सद्गुणों का धन है, करैक्टर का धन है, वो हमको प्राप्त हो जाता है। फिर लास्ट के जो 3 दिन हैं, तो उसमें सरस्वती की पूजा अर्चना करते, सरस्वती का आह्वान करते हैं, और वो सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा है। सरस्वती ज्ञान की देवी हम आत्माओं को ज्ञान से भरपूर करती है। तो ज्ञान की देवी कहने का भाव क्या है कि उस ज्ञान से अर्थात समझ से हम अपने आसुरी संस्कारों का नाश करते, आत्मा का शुद्धिकरण होता, चरित्र श्रेष्ठ बनता, संस्कार देवी बनते, और सद्गुणों रूपी जब धन प्राप्त हो जाता है तो ये बुद्धि उस यथार्थ ज्ञान को ग्रहण करने की अपने में क्षमता धारण करती है। जो बाबा कहते, ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए ये बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो इस बुद्धि में भी शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उन ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए ये बुद्धि रूपी बर्तन भी बड़ा शुद्ध चाहिए, श्रेष्ठ चाहिए, पवित्र चाहिए, निर्मल चाहिए, जिससे आत्मा सेल्फ का रूलर बन जाती है, सेल्फ का कंट्रोलर बन जाती है, और अपना खोया हुआ स्वराज्य पुनः प्राप्त करके उन ईश्वरीय शक्तियों से विवेक युक्त होकर कर्म योगी बन करके फिर वो कर्म में आती है। ऐसी इन देवियों की पूजा और अर्चना हम 9 दिन नवरात्रि के करते हैं। फिर 4थी बात आती है, नवरात्रि में रास गरबा करते हैं। अब रास गरबा करते हैं, वो रास गरबा के पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है? रास गरबा जब करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और शरीर के सारे अंग उसमें झूमते हैं, तो सारी बॉडी को जैसे कि उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, उसकी ड्रिल हो जाती है, सारी बॉडी की ओवरहॉलिंग हो जाती है, और फिर सबके हाथ में 2-2 डांडिया होते हैं, और उन 2-2 डांडिया से एक दूसरे के डांडिया को टच करते हैं और गरबा करते हैं। ये अपने अंदर में एक खुशी, एक उमंग, एक उत्साह से उसको इतना भरपूर कर देता है, जो सामने उसके कौन है उसको पता नहीं, लेकिन उसको सिर्फ अपना उमंग, उत्साह और खुशी बढ़ाने का एक लक्ष्य रहता है। अगर बाहर ग्राउंड में चलते फिरते कोई एक डंडा दूसरे को डंडा लगा देगा तो क्या होगा, युद्ध हो जाएगी। लेकिन रास गरबा में तो बड़े मजे से एक दूसरे के साथ में डांडिया से रास करते हैं, कितना मजा आता है। वो दृश्य कितना मन को आकर्षित करता है, मन भावन करता है।
आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी जगह पर बैठे बैठे भी झूम रहे हैं, रास गरबा कर रहे हैं। बाबा कहते ये रास गरबा वास्तव में हमें संस्कारों की रास कराता है, हमारे जो दैवी संस्कार हैं उनको इमर्ज करता है कि वास्तव में ये फेस्टिवल्स हमारे बुद्धि के लॉक को खोलते हैं। जो बुद्धि में रस्ट जम गई है उस रस्ट को ये फेस्टिवल्स खोलते हैं, और जब आपस में मिलजुल करके स्नेह से चलते हैं, आपस में हार्मनी होती है, तो वो हम सबके मन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये रास गरबा हमारे अंदर हार्मनी पैदा करता है, स्नेह पैदा करता है, सहयोग की भावना पैदा करता है। हम कितना किसको सहयोग देते हैं, कितना किसको कोऑपरेट करते हैं, वो हमको दिखाता है। तो बाबा हम बच्चों को संस्कारों की रास कराते हैं कि किस प्रकार से ईश्वरीय शक्तियों को स्वयं में धारण करके हम अपने ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज कर अपने दैवी संस्कारों को इमर्ज करें, और जब एक दो के संस्कारों से हम एडजस्ट होकर मोल्ड होकर चलते हैं तो हार्मनी होती है, और उस हार्मनी में हम एक दूसरे को ज्ञान दान देते, गुण दान देते, शक्तियों का दान देते हैं, खुशियों का सहयोग देते हैं, मदद करते हैं, स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, और यही एक दूसरे को देना संस्कारों के मिलन की रास हो जाती है। उसके साथ साथ फिर देवियां चारों तरफ से प्रकाश की सजी सजाई अस्त्र शस्त्र धारी और शेर पर उनकी सवारी है। शेर पर सवारी अर्थात वो प्रकृति जीत, माया जीत, जगत जीत बन जाती है, और सदा दिव्य गुणों से, दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सजी हुई है। और अष्ट भुजाएं स्थूल रूप से भुजाएं नहीं है, लेकिन जब भी हम कभी नयों को भी लेसन्स देते हैं तो उनों को हम लेसन में सिखाते हैं कि योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा जीवन में अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो वो अष्ट शक्तियां हमारी अष्ट भुजा के रूप में होती है। बाकी कोई देवियों को आठ भुजाएं होती नहीं है। आज भी कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जब जन्म लेता है और किसी को चार भुजा हो जाए या चार टांगे हो जाए तो कैसा लगेगा, और फिर क्या करेंगे, तुरंत उसकी सर्जरी करेंगे। तो ये आठ भुजाएं उनकी अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। वैसे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा से हमको अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं, परंतु अष्ट शक्तियां वर्णन के रूप में है। तो हम अपने अंदर विचार करें कि मुझ आत्मा ने स्वयं में कितनी शक्तियों को धारण किया है। समाने की शक्ति है, एडजस्ट करने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, डिसीजन लेने की शक्ति है, डिस्क्रिमिनेशन की शक्ति है, कोऑपरेशन की शक्ति है, स्नेह की शक्ति है, सहयोग की शक्ति है। वो सारी शक्तियों की लिस्ट हम निकालें और उन सारी शक्तियों को
हम अपने अंदर टैली करें और ये नवरात्रि के 9 दिन दुनिया वाले अपनी रीति से नवरात्रि मनाएंगे, लेकिन हम बाबा के बच्चे इन 9 दिनों के अंदर अपने को सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से संपन्न कर लें, जो शेर पर सवारी है अहिंसक बन जाए, संकल्प से भी किसके प्रति भी नेगेटिविटी नहीं हो, वाणी की बात तो छोड़ ही दें, किसी से भी मुझ आत्मा से किसको भी दुख ना पहुंचे, फीलिंग ना आए या कोई मेरे से डिस्टर्ब ना हो जाए, ऐसा हम अपने आप से व्रत रख लें। फिर उन अष्ट भुजाओं में अष्ट अलंकार है, उन शक्तियों का, देवियों का चेहरा हम अपने सामने ले आए, उनके जो नयन है उनके नयनों से विशेष स्नेह और शक्ति, करुणा ये प्रैक्टिकल में महसूस होता है। तो हम आत्मा जो शिव की शक्तियां हैं, शिव बाबा से स्वयं में शक्तियां धारण करते हैं, तो हमारे इन नयनों में भी वो स्नेह हो, शक्ति स्वरूप हो, स्वयं के लिए काली स्वरूप हो, अन्य के लिए शीतला स्वरूप हो, और ऐसा करुणा भाव अंदर हो जो हर आत्मा के प्रति एक कल्याण की भावना सदैव अंदर जागृत रहे। फिर शक्तियों को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, वो चक्र सदा स्व का दर्शन कराता है, जो बाबा कहते अपने अंदर की कमजोरियों को, अपने अंदर के अवगुणों का, अपने अंदर की कोई भी जो विकारी वृत्तियां रह गई हैं, उनका दर्शन करो। जब उनका आप दर्शन करेंगे तो ये जो चक्र है, साइकिल है, इसको स्पिन करते चलो, इस चक्र को घुमाते चलो, तो उन सारी बुराइयों के गले कट जाएंगे, आंतरिक आसुरी वृत्तियों का संहार हो जाएगा। इसलिए सदा स्व का दर्शन करो, स्व दर्शन चक्र घूमता रहे तो दूसरी कोई भी मायावी बातें बुद्धि में नहीं आएंगी। दूसरा, उनके हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं, वो त्रिशूल मन, वचन और कर्म की दृढ़ता और 5 विकारों को नष्ट करने का प्रतीक है। जो ऊपर में 3 पॉइंट्स है और एक डंडा है, डंडा है हमारे दृढ़ निश्चय का प्रतीक, और मन, वचन, कर्म से हम सभी विकारों को, बुराइयों को नाश करते हैं। फिर है शंख, ज्ञान सागर बाबा ने जैसे ज्ञान शंख की ध्वनि करके हम आत्माओं को कैसे जगाया, जैसे आप सब बाबा के जूम बेबीज हैं, COVID-19 एक नेचुरल कैलेमिटी है, उस नेचुरल कैलेमिटी ने आपके सामने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रख दी, जो आप बाबा के बन गए, आपकी इग्नोरेंस खत्म हो गई, आपने सेल्फ को रियलाइज कर लिया
गॉड को रियलाइज कर लिया और उस ज्ञान सागर बाबा की नॉलेज ने थर्ड आई ऑफ विजडम दे दिया। तो थर्ड आई ऑफ विजडम जब मिल गया तो आत्मा जाग गई, आत्मा ने अपने आप को रियलाइज कर लिया, मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन है और उससे हमको क्या प्राप्तियां होती है। तो बाबा ने स्व आत्मा की पहचान दे दी, ओम ओम। तो ओम शब्द जब हम बोलते हैं उसमें तीन अल्फाबेट्स आते हैं, अ उ और म। अ आचरण, उ उच्चारण, और मन से जो मन के विचार हैं, तीनों में हार्मनी चाहिए। जो सोचा, जो बोला और जो कर्म में आया, तीनों समान चाहिए। आज व्यक्ति सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, तीनों में हार्मनी नहीं है, इसलिए आपस में क्लैश बाहर तो होते हैं, हमारा अपने आप में भी क्लैश हो जाता है कि मैंने सोचा तो कुछ था, मुंह से कुछ निकल गया और किया कुछ। इसका मतलब मैं आत्मा अपनी सोल की कॉन्शियस में नहीं हूं, आत्म अभिमानी नहीं हूं, आत्मा की अभी तक भी संपूर्ण जागृति जो अवेयरनेस है वो अभी तक भी मेरे अंदर नहीं आई है, इसलिए मैं सोचती कुछ हूं, बोलती कुछ हूं, करती कुछ हूं। इसलिए जो हम किसी को देना चाहते हैं, औरों की आत्मा का दिया जलाना चाहते हैं, वो दिया जलता नहीं, क्योंकि मुझ आत्मा का दिया सदैव प्रज्वलित नहीं है। तो मुझ आत्मा का दिया सदा जलता रहे तो सदा औरों की आत्मा का दिया भी हम जलाएं। इसलिए बाबा कहते आप सदा देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते ही रहो, जितना देते रहेंगे उतनी आपकी ज्ञान धन की प्राप्ति बढ़ती जाएगी। फिर इनों के हाथ में, देवियों के हाथ में तलवार दिखाते हैं, वो है ज्ञान की तलवार। जिस ज्ञान की तलवार से अंदर में, बाबा कहते पांच मोटे विकार तो आप जल्दी जीत लेते हो, लेकिन उन पांच विकारों के जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं ना, तेरा मेरा इसका उसका, मान नाम शान ईर्ष्या द्वेष, ये जो छोटे छोटे भूत हैं, इन भूतों को ज्ञान तलवार से कट कर ज्ञान मिला है, समझ मिल गई है, उस समझ से उस पर विजय प्राप्त करें। ज्ञान की बाबा ने हमको भिन्न भिन्न पॉइंट्स दी है, उन सभी पॉइंट्स को स्मृति में लाते हुए उसका स्वरूप बनते जाएंगे तो ये जो छोटे छोटे भूत है इनको हम मार गिराएंगे। फिर धनुष बाण दिखाते हैं, अब वो धनुष बाण वास्तव में जैसे जब बाण चलाया जाता है, एरो करते हैं, तो एरो उस लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए। तो बाबा ने भी हम बच्चों को जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य के अनुसार ही हमारी सारा दिन की एक्टिविटी, हमारा पुरुषार्थ उसी आधार पर हो।
कि जो श्रेष्ठ लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, उस श्रेष्ठ लक्ष्य को, श्रेष्ठ स्थिति को मुझे प्राप्त करना है। तो इसलिए मेरा कॉन्सेंट्रेशन, मेरा ज्ञान का बाण उस लक्ष्य पर ही हो। सब कुछ करते हुए भी, हर एक्टिविटी करते हुए बुद्धि में ये रहे, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं। तो उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति, उसकी स्मृति, उसके बोल, उसके कर्म कैसे होंगे? स्वतः ही कर्मों में शक्ति आएगी, वाणी में शक्ति आएगी, संकल्प शक्तिशाली होंगे। फिर उनके हाथ में गदा दिखाते हैं, गदा जब ऊपर होती है तो वो युद्ध में जाने का प्रतीक है, और गदा जब नीचे होती है तो वो विजय का प्रतीक है। विष्णु चतुर्भुज का भी चित्र देखा है ना, उसमें गदा नीचे है, और देवियों को भी जो गदा दिखाते हैं वो ऐसे ऊपर नहीं दिखाते हैं, नीचे ही दिखाते हैं, यूं ही पकड़ी हुई दिखाते हैं। तो वास्तव में इस ज्ञान की गदा से हम अपने विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं। तो विकारों पर जीत का प्रतीक ये गदा है। और लास्ट फिर कमल दिखाते हैं कि ये सारा संसार सागर इस समय प्रैक्टिकल में बहुत तमोगुणी पॉइजनस वातावरण हो गया है, बड़ा विशियस सर्कल है, चारों तरफ एकदम तमो प्रधानता है। ऐसे वातावरण में रहते हुए भी अपने आप को उसे डिटैच रखें, कमल पुष्प के समान रखें, शक्तियों को कमल के ऊपर खड़ा हुआ दिखाते हैं, उनके एक एक अंग का कंपैरिजन कमल के साथ करते हैं, कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल चरण। अब कमल का फूल तो इतना डेलिकेट है, उस पे कोई खड़ा हो सकता है, लेकिन उनका जीवन संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, अपनी सारी लौकिक कारोबार करते हुए भी डिटैच ऑब्जर्वर रहा, न्यारा और प्यारा जीवन रहा है, जिसका ही सिंबल ये कमल है, जो हमारे अंदर दिव्य शक्तियों को भरता है, और अंदर की सारी जो दुर्बलताएं हैं उनको ये समाप्त कर देता है। और एक हाथ उनका सदा वरदानी होता है, सदा वरदान देते चलो, वरदान देते चलो। तो ऐसी वरदानी मूरत ये नवरात्रि हम आत्माओं को बनाने वाली डिवाइन पावर्स से, डिवाइन एनर्जी से, दिव्यता से, प्योरिटी से भरपूर करने वाली है। और वैसे पहला दिन जो नवरात्रि का होता है उसमें शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हैं। उस शैलपुत्री की भी एक पीछे पौराणिक कथा है कि शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में जो शिव की सती थी और शिव ने यज्ञ रचा था, उस यज्ञ में उसने, शिव ने सब देवताओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन सती के पिता को निमंत्रण नहीं दिया था। तो उसने
उसको जाकर के पूछा। सती के पिता ने सब देवताओं को निमंत्रण दिया पर शिव को निमंत्रण नहीं दिया था, और सती का शिव के साथ में, क्योंकि पहले भी उसने शिव को बहुत तप से प्राप्त किया था, उसका शिव से बहुत प्यार था, बहुत आदर सम्मान रेस्पेक्ट रिगार्ड उसका बहुत था। तो अपने पिता के पास गई और पूछा, तुमने सब देवताओं को निमंत्रण दिया है, मेरे पति को शिव को क्यों निमंत्रण नहीं दिया है? तो उसके पिता ने तो क्या, लेकिन दूसरे भी जो संबंधी थे उन सब ने ऐसे ऐसे गलत शब्दों के प्रयोग किए जिसको वो सहन नहीं कर सकी। और जो यज्ञ कुंड बना हुआ था उसने उसमें कूद करके अपने को स्वाहा कर दिया, और दूसरे जन्म में वो शैल राज के घर जन्म लेती है, और वो छोटी सी कन्या जो बहुत निर्विकारी भोली सरल चित पवित्र और निर्मल होती है। तो नवरात्रि का पहला दिन उसी से ही, उसकी ही पूजा अर्चना से प्रारंभ करते हैं। तो शैल राज की पुत्री होने के कारण शैल पुत्री उसको नाम दे दिया जाता है, और उससे फिर नवरात्रि का शुभारंभ करते हैं। दिव्य शक्तियां वरदान उनसे प्राप्त करते हैं, लेकिन बाबा ने इन सब के हम बच्चों को स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस कि ये सब सिंबॉलिक है, और वास्तव में तुम बच्चे शिव की शक्तियां हो जो शिव से सर्व शक्तियां प्राप्त करके अपने जीवन को तो दिव्य बनाती हो, लेकिन साथ साथ औरों को भी आत्म जागृति दे करके उनके जीवन को भी ऐसा ही दिव्य और महान बना देते हो, और ये धरती फिर से उस स्पिरिचुअलिटी से भरपूर, दिव्यता से भरपूर ऐसी सुखमयी दुनिया, जिस स्वर्ग को, जिस राम राज्य को सब याद करते हैं, ऐसी दुनिया फिर से बन जाती है। तो आत्मा जब उन सर्व शक्तियों से, दिव्य शक्तियों से भरपूर हो जाती है, तब फिर दसवें दिन विजयदशमी, रावण को जला देते हैं, क्योंकि शिव से वो शक्तियां प्राप्त हुई, ईश्वर से वो शक्तियां प्राप्त हुई, और हमने इस पांच बेकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त करके विजय दशमी मनाई, दस बेकारों पर जीत गए और हम विजयी बने और अपना राम राज्य स्थापन किया। ओम शांति।